हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी चीज़ी पास्ता बनाया है। ये बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर बना के खा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 3 से 4 कप के करीब पानी डाल देते हैं और पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। तो गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और ये पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है तो अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं और 1/2 चम्मच नमक। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पास्ता लिया है, पास्ता इसमें डाल देते हैं और पास्ता को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब हम पास्ता को जब तक पकाएंगे जब तक आप पास्ता अच्छे से फूल ना जाए, यानी कि पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो पास्ता को पकने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो अब हम इसको इस तरह से आधा कवर करके छोड़ देते हैं और 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकती हैं पास्ता अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको इस तरह से तोड़ के देखेंगे और आप देख सकती हैं कितना ही खिला खिला बना है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और एक बर्तन में हम स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें ये पास्ता को निकाल देते हैं ताकि सारा एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। और अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ऊपर से ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। जब तक पास्ता ठंडा हो रहा है तो चलते हैं हम गैस की तरफ। तो उसके लिए हम गैस ऑन करके फिर से सेम कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ सब्जियां ली हैं तो एक बारीक कटा हुआ सबसे पहले प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देते हैं। और ये मैंने आपको थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और प्याज को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन का ना हो जाए। और ये प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है तो हम इसमें बाकी की सब्जियां डाल देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 1/2 गाजर को कद्दूकस कर लिया है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली हैं और इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सब्जियों को स्किप भी कर सकती हैं, बट इनसे थोड़ा हेल्दी बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो 1/3 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हिसाब से ही डालना है क्योंकि हमने पास्ता को बॉईल करते टाइम पे भी नमक डाला है। और इन सभी मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और ये आप देख सकती हैं मसाले थोड़े सूखे सूखे से लग रहे हैं तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं और इसी तरह से हम 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को पका लेते हैं। और 3 से 4 मिनट के बाद अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब टमाटो केचप डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और 1 मिनट के लिए हम इसी तरह से पकने देते हैं। और ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ ले लिया है और इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में तोड़ के इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। और ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब हमने जो पास्ता को बॉईल करके रखा है वो पास्ता इसमें डाल देते हैं। और पास्ता को अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और पास्ता को मिक्स करने के बाद अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से पास्ता में एब्जॉर्ब हो जाएं। और 2 से 3 मिनट के बाद सारे मसाले पास्ता में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी चीजी पास्ता बनके तैयार हो गया है। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।